नमस्कार दोस्तों, ये है भारतीय भूगोल या भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी श्रृंखला, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम और भारतीय मानसून के संबंधों पर। यानी कि जेट स्ट्रीम जो है, जेट हवाएं जो है, उसका भारतीय मानसून पर प्रभाव। भारत में जो मानसून आता है, यानी कि खासकर जो दक्षिण पश्चिम मानसून का, उसका जो संबंध है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। ये जो है ये उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य चलती है, और उत्तर पूर्वी मानसून का संबंध उपोष्ण पछुआ जेट से है, जेट स्ट्रीम से है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं 20 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलती हैं। तो हम यदि बात करें जेट इस पर पछुआ जेट की, तो पछुआ जेट की उत्पत्ति जो होती है यहाँ पर अटलांटिक महासागर से होती है, और ये इस ओर चलती है, और फिर ये सॉरी ये इस ये सॉरी अटलांटिक से कहना बिल्कुल सही, मतलब कितना सही है ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अटलांटिक से नहीं, ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और तिब्बत के पठार से टकरा कर ये 2 भागों में बट जाती है ऐसे इस तरह से, और हिमालय के दक्षिण, और ये इसका संबंध, और यह और यहाँ पर अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है उसको लेकर ये यहाँ तक भारत तक पहुँचती है, और भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी हिस्सों में बारिश कराती है। आजकल जो सर्दियों में जो बारिश होती है वो इसी उपोष्ण पछुआ जेट की वजह से होता है, जिसको कि पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए बात करते हैं मानसून की उत्पत्ति संबंधी जेट स्ट्रीम की जो संकल्पना है उस पर। ऊपरी वायुमंडल में 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रवाहित होने वाली तीव्र वायु प्रणाली को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। गर्मियों में पछुआ जेट स्ट्रीम के उत्तर की ओर खिसकने और भारत के उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रवाहित होने का संबंध मानसून की उत्पत्ति से है। जैसे कि हमने कहा कि इस मैप में आपने देखा कि ये जो पश्चिम से, ये जो पछुआ जेट आती है इस ओर से बहती है, इसका गर्मियों में ये का सुस्त पड़ जाता है या फिर ये उत्तर की ओर खिसक जाता है, और यहाँ से इस क्षेत्र से एक जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, और जो यहाँ से ये पश्चिम की ओर बहने लगती है, जिसे उष्ण पूर्वी जेट के नाम से जाना जाता है। इससे मानसून की उत्पत्ति में का संबंध है इसका। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जेट स्ट्रीम सिद्धांत जो है वो काफ़ी, मतलब एक नवीन और विश्वसनीय है। जेट उड़ानों में सहायक होने के कारण इसको जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया। एक कहानी है, एक थ्योरी है कि कहा जाता है कि जापानियों ने इसकी खोज की थी। जब जापानियों को जापानी विमान एक बार ऊंचाई, एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी गति काफ़ी तीव्र हो गई, और जिसके कारण वो कम समय में बहुत लंबी दूरी तय कर रहे थे, और इसके कारण इसका नाम, और इसका खोज का श्रेय जो है जापान को दिया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको खोजा गया। एक आपने देखा होगा हॉलीवुड की फिल्मों में, जब पर्ल हार्बर पर अटैक होता है, अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है पर्ल हार्बर पश्चिमी तट पर, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, जापान इतनी दूर पहुँचे कैसे, और उस पर हमला होता है, और फिर बाद में इसके बारे में खोज पता चलता है कि ये जेट स्ट्रीम के कारण हुआ है, जिसके कारण ये इतनी दूरी तय कर सके जापानी विमान। ये जो पवने हैं, जेट पवने, ये सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन कुछ स्थानीय परिस्थितियां हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, जिससे पूर्वी जेट स्ट्रीम का भी उद्भव हुआ है। ऊपरी वायुमंडल में प्रवाहित होने वाली पवने धरातलीय मौसम और दशाओं को प्रभावित करती है। अब होता है, देखिए अब इसमें जेट स्ट्रीम की भूमिका पर देखते हैं, क्या है भूमिका मानसून की उत्पत्ति में। सर्दियों के मौसम में भारत या एशिया के ऊपर जो है पछुआ जेट स्ट्रीम, जिसे उपोष्ण कहते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये है सॉरी, ये सर्दियों में यहाँ पर जो है इधर पछुआ जेट स्ट्रीम इधर प्रभावी रहता है इस क्षेत्र में पूरे में, ये गर्मियों की स्थिति है। लेकिन तिब्बत हिमालय की उपस्थिति के कारण उत्तरी व दक्षिणी दो भागों में बट जाती है, दो शाखाओं में, जैसे हम पहले भी इसके बारे में बताए हम कि जब ये इस क्षेत्र पर आती है तो यहाँ पर इस तिब्बत के पठार और जो पामीर पठार से आदि से टकरा कर इधर आगे जैसे बढ़ती है, तो ये 2 भागों में बट जाती है, उत्तरी और दक्षिणी शाखाओं में। इसकी
उत्तरी शाखा हिमालय व तिब्बत के पठार के उत्तर में प्रवाहित होती है तथा दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में। जब तक पछुआ जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर से प्रवाहित होती है तब तक भारत में उच्च वायु दाब बना रहता है और धरातलीय वायु को ऊपर उठने से रोकता है। अब ऐसे देखिए कि जेट स्ट्रीम जो है वो ऐसी स्थिति में होती है, हवाएं एक ऐसी तरंगीय गति में चलती है। भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उस क्षेत्र में यहाँ पर ये ऐसी स्थिति में होती है, तो यहाँ पर जो धरातल की है, धरातल की जो हवाएं गर्म हो रही हैं और वो ऊपर नहीं उठ पा रही। तो हो रहा कि आप अप्रैल मई में देखते होंगे कि गर्मी प्रचंड होती है लेकिन फिर भी बारिश नहीं होता, कारण काफ़ी चिपचिपा मौसम होता है क्योंकि समुद्र जहाँ की जो हवाएं हैं ऊपर नहीं उठ पाती हैं, और ठंडी ने ऊपर उठेंगी तभी तो ठंडी होंगी और ठंडी होंगी तभी बारिश होगा, और ऊपर उठेंगी तभी तो नीचे गिरेंगे, तो ऊपर नहीं उठ पा रही है, कारण है इसका यहाँ उपोष्णीय पछुआ जेट। और यहाँ पर जो है धरातलीय क्षेत्र, यहाँ पर जो नीचे उच्च वायु दाब बना रहता है, इसलिए आपने इस तो धरातलीय पवनों के ऊपर न उठ पाने के कारण उच्च दाब के बावजूद भी निम्न दाब नहीं बन पाता, यहाँ पर निम्न दाब नहीं बन पाता, जिसके कारण इधर से समुद्री मतलब समुद्री हवाएं ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाती, महाद्वीपों या फिर अंदरूनी भागों में प्रवेश नहीं कर पाती। जैसे अब देखिए, अब होगा ये कि जब समर की ये है समर, विंटर में जब यहाँ पर जो ITCZ जो होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि जो वास्तविक विषुवत रेखा है यहाँ पर है सर्दियों में, और ये जो इस इलाके में जो एक जेट स्ट्रीम पछुआ जेट स्ट्रीम प्रभावी है, और जैसे ही धीरे धीरे ये ऊपर उठेगा ना, ऊपर खिसकता जाएगा, ये यहाँ तक होगा, तो फिर यहाँ इस क्षेत्र में जो स्थिति क्या होगी, ये गर्म तो पूरा होगा लेकिन पछुआ जेट के कारण यहाँ पर निम्न दाब नहीं बन पाएगा, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी से हवाएं इस ओर नहीं जाएंगी। हवाएं इस ओर जाएंगी तभी तो यहाँ पर नमी आएगा, और नमी नम हवाएं यहाँ पहुंचकर ऊपर उठेंगी तब यहाँ बारिश होगी। लेकिन वही जब गर्मियों में जब ये स्थिति होती है कि ये ITCZ खिसक कर यहाँ पर हिमालय और तिब्बत के पठार तक पहुँच जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उपोष्ण पछुआ जेट जो है वो बहुत दूर उत्तर की ओर खिसक जाता है, और यहाँ पर एक लो प्रेशर डेवलप होता है, और यहाँ से जिसके कारण इधर से हवाएं समुद्री हवाएं महाद्वीपीय छह भागों में प्रवेश करती हैं, और तिब्बत का पठार गर्म होता है, और ये गर्म हवाएं ऊपर उठती है, और जब हवा ऊपर उठती है तो यहाँ से एक पूर्वी जेट की उत्पत्ति होती है, यहाँ से हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और जब ये हवा पश्चिम की ओर बहती है तो फिर यहाँ पर भी गर्म हवाएं ऊपर उठती है, और ये यहाँ से मानसून को पूरे भारत में फैलने में मदद करती है। कुछ यूँ समझिए कि ये जो तिब्बत का पठार और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ये एक तवे की तरह गर्म होता है, और इसके ऊपर लगा एग्जॉस्ट फैन जो है इसको आगे की ओर घसीटता हुए ले जाता है। मानसून के आगमन में जेट स्ट्रीम की भूमिका पर आगे बात करते हैं। तो गर्मियों में मौसम में जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर स्थित होता है तो पछुआ जेट स्ट्रीम भी उत्तर की ओर खिसक जाती है, इसके बारे में हम बताएं अभी। और हिमालय के दक्षिण में जो है प्रवाहित होने वाली पछुआ जेट स्ट्रीम लुप्त हो जाती है। पछुआ जेट स्ट्रीम के लुप्त होते ही पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रवाहित होने लगती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति तिब्बत के पठार के गर्म होने से पठार के ऊपर की वायु ऊपर उठने लगती है, लेकिन पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति अत्यधिक अनियमित है। ये कई बार अब उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उस पर भी डिपेंड करती है। यदि उत्तरी गोलार्ध में, यदि कहते हैं कि आर्कटिक सर्किल का टेम्परेचर यदि बढ़ जाए कभी किसी कारणवश, तब भी जेट स्ट्रीम निष्क्रिय रहता है, और यदि टेम्परेचर तिब्बत के पठार का तापमान यदि ऊपर नहीं उठ सके, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सके, तो भी नहीं हो पाता, इसके कारण ये काफ़ी अनियमित है। पछुआ जेट स्ट्रीम में लुप्त होने और पूर्वी प्रवाहित होने के कारण ही उत्तर पश्चिमी भारत की धरातलीय गर्म पवने ऊपर उठने लगती है और उच्च निम्न दाब का निर्माण होता है, जिसे भरने के लिए मानसूनी पवने भारत की ओर आकर्षित होती हैं और मानसून का आगमन हो जाता है और ये बारिश यहाँ शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये था हमारा आज जेट स्ट्रीम और इसका संबंध मानसून का। तो चलिए हम नेक्स्ट एपिसोड में मानसून
का प्रवेश और उसका प्रसार पर हम बात करेंगे, या मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी मॉनसून और इससे रिलेटेड भी बहुत सारा चलेगा, इसमें हम क्लाइमेट पर सारे, फिर अभी हम इंडिया के संदर्भ में जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उस पर भी स्टडी करेंगे, मॉनसून की और भी अलग अलग, जैसे कि मॉनसून का प्रसार, मॉनसून का आगमन, और जो मॉनसून का पूरा जो मैकेनिज्म है, कहाँ से ये उत्पत्ति होती है और कहाँ तक भारत को प्रभावित करती है, इसका आर्थिक सामाजिक जो भी प्रभाव है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।